हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बायोलॉजी का चैप्टर 5 दैट इज़ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, ये आपका बायोलॉजी का पहला चैप्टर है और उसका नाम है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो यानी इस चैप्टर में हमें जो भी चीज़ें पढ़नी हैं, जो भी कॉन्सेप्ट हमें पढ़ने हैं, वो किस पर डिपेंड करेंगे? सारे के सारे सेल्स पे। तो पूरा चैप्टर आपके सेल्स पे बेस्ड होगा। ये ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं दुनिया के अंदर, वो सारी की सारी किसके थ्रू बनी हुई होती हैं? सेल्स के थ्रू। ठीक है, अब इस डेफिनेशन को मैं समझाने के लिए आपको एक एग्जांपल यूज़ करती हूँ। सपोज़ करते हैं ये हाउस है, आप सब अपने अपने हाउस में रहते होंगे ना। तो हाउस क्या होता है? जो आपका घर होता है, घर कैसे बना होता है? घर के अंदर कई कमरे होते हैं। ठीक है, इस तरीके से सपोज़ करते हैं ये एक कमरा है। ठीक, इस तरीके से कई सारे कमरे होंगे, किचन होगा, वॉशरूम होगा, ठीक है, ड्राइंग रूम होगा। तो कई सारे ऐसे कमरे आपके मिले होंगे। जितने भी कमरे होते हैं उनमें क्या होती है? वॉल्स होती हैं। ठीक है, चारों तरफ से वो बाउंड्री से वॉल्स की घिरी होती है। ठीक, तो ये क्या होता है? जो भी हाउस होता है वो किसका बना होता है? वॉल्स का। और ये जो वॉल होता है किसका बना होता है बेटा? ये ब्रिक्स का बना होता है। ठीक, तो यानी कि जो आपका घर है उसकी जो सबसे छोटी इकाई थी जिसके थ्रू वो पूरा बना है, दैट इज कॉल्ड द ब्रिक्स। तो यहाँ पे ब्रिक्स क्या होगी? इट इज़ द फंडामेंटल यूनिट फॉर योर हाउस। सेम एग्जांपल अगर हम दूसरा भी यहाँ पे एग्जांपल यूज़ कर लें, कोई स्टेट ऑफ मैटर है, चाहे वो आपका सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो गैस हो, जो हमने अभी लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, वो सारे के सारे किसके बने होते थे? छोटे छोटे पार्टिकल्स के। और इन पार्टिकल्स को हम लोग क्या बोलते थे? एटम्स। ठीक है, तो जितने भी स्टेट्स हैं वो भी क्या होते हैं? छोटे छोटे पार्टिकल्स के बने होते हैं। जो भी ट्री होगी वो भी छोटे छोटे पार्टिकल्स की बनी होगी। ठीक है, छोटे छोटे सेल्स की बनी होगी। सो इट मीन्स वॉट? जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं दे आर मेड अप ऑफ सेल्स। अब सबसे पहले एक बार इसकी हिस्ट्री पढ़ लेते हैं कि सेल्स की डिस्कवरी हुई कैसे थी। सो सेल वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। याद कर लेना कि सेल को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट हुक। इन विच ईयर? 1665। और कहाँ से किया था? फ्रॉम कॉर्क सेल, फ्रॉम द बार्क ऑफ ट्री। जो ट्री का जो बाहर का जो तना जो होता है, इसमें क्या होता है? दिस इज कॉल्ड द बार्क ऑफ ट्री। जब रॉबर्ट हुक ने इस बार्क ऑफ ट्री को अपने द्वारा बनाए गए माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व किया था, तो उन्हें कैसे दिखाई दिए थे? उनको सेल कैसे दिखाई दिए? छोटे छोटे लिटिल रूम की तरह, दैट इज कॉल्ड द लिटिल रूम। और इसको जब उन्होंने कंपेयर किया, तो इसकी कंपैरिजन किसके थ्रू की उन्होंने? हनीकॉम्ब। जो आपने मधुमक्खी का छत्ता देखा है ना, उसमें छोटे छोटे इस तरीके से होते हैं सेल्स टाइप के, तो इसी तरीके से आपकी बॉडी के अंदर जो सेल्स होते हैं उनका स्ट्रक्चर होता है। दिस इज कॉल्ड द शेप ऑफ द सेल एंड दिस इज कॉल्ड द न्यूक्लियस। ठीक, तो सेल को सबसे पहले किसने डिस्कवर्ड किया था? रॉबर्ट हुक ने। बट जो उन्होंने सेल डिस्कवर्ड किया था फ्रॉम द बार्क ऑफ ट्री, दीज आर कॉल्ड द डेड सेल्स। जो सबसे पहला लिविंग सेल था उसको इन्वेंट किया था, डिस्कवर किया था लीवेनहॉक, ओके, इन द ईयर 1674, फाउंड द प्रेजेंस ऑफ लिविंग सेल इन पॉन्ड वाटर। ओके, सो दिस इज योर हिस्ट्री ऑफ सेल। आप अपनी एनसीईआरटी में भी देख सकते हो, दिस इज द चैप्टर नंबर 5, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। रॉबर्ट हुक ने किस तरीके से डिस्कवर किया था डेड सेल, ठीक है, यहाँ पर आपको एक्सप्लेनेशन दी हुई है। नेक्स्ट इसमें है, व्हाट आर लिविंग सेल्स मेड अप ऑफ। ये लिविंग्स जो सॉरी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं किसके बने होते हैं? जस्ट मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। ठीक, यहाँ पे ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप है जिसके अंदर आप किसी भी चीज़ के सेल को आप चेक करोगे। ठीक है, जिसकी शेप आपको किस तरीके से मिलेगी? सपोज करते अगर हमने ऑनियन पील को लिया, तो ऑनियन पील के अंदर भी आपको कुछ इस तरीके का शेप देखने को मिल रहा है, जो ये डॉट से दिख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड द न्यूक्लियस एंड दीज आर कॉल्ड द सेल्स। इसके बाद यहाँ पे पूरी आपको डिस्कवरी देखने को मिल रही है। सेल वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन द ईयर 1665। इसके बाद जो लिविंग सेल था सबसे पहला, उसको लीवेनहॉक ने किया था। और ये पूरी की पूरी डिस्कवरी आप लोग अपनी एनसीईआरटी के थ्रू फॉलो कर सकते हो। ठीक है, अब जो हम है इसका नेक्स्ट टॉपिक सेल का वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द सेल थ्योरी। ओके, सेल थ्योरी। अ सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो सबसे पहली थ्योरी है वो क्या कहती है कि जो भी सेल होती है वो आपकी जो लाइफ होती है उसकी क्या कहलाती है? स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट।
जो भी आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर होता है किस पे डिपेंड करता है, सेल पे, और जो भी आपकी बॉडी फंक्शंस परफॉर्म करती है वो भी किसके थ्रू करती है, विद द हेल्प ऑफ सेल. सो सेल इज कॉल्ड द स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. सेकेंड, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे के सारे किसके बने होते हैं, सेल्स के बने होते हैं. ठीक. एंड द सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. जितने भी सेल्स की फॉर्मेशन होती है, जो पहले से सेल एग्जिस्ट कर रहा है उसी की हेल्प से क्या होता है, ये डिवाइड होता है और अपने आप को इस तरीके से बढ़ाता जाता है. सो सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. दिस इज कॉल्ड द सेल थ्योरी. इसके बाद जो आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है, दैट इज टाइप ऑफ सेल्स. आप लोगों ने क्लास 8 में भी पढ़ा हुआ है टाइप ऑफ सेल्स कितने तरीके के बताए गए थे, दो तरीके के. फर्स्ट क्या था आपका, यूनिसेलुलर, और सेकंड आपका क्या था, मल्टी सेलुलर. यूनिसेलुलर क्या होता था कि इट कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल सेल, जिसमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल सेल होता है, दैट इज कॉल्ड द यूनिसेलुलर. और जिसके अंदर मल्टीपल नंबर ऑफ सेल्स होते हैं वो क्या कहलाता है आपका, मल्टी सेलुलर. इसी तरीके से यूनिसेलुलर का एग्जाम्पल क्या होता है, अमीबा, जिसके पास सिर्फ सिंगल सेल होता है. लेकिन मल्टी सेलुलर के एग्जाम्पल्स होते हैं आपके प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स, एंड दे हैव अ कैपेबिलिटी टू डिवाइड इटसेल्फ इनटू सेल्स ऑफ इट्स ऑन टाइप. जो भी प्लांट और एनिमल सेल्स होते हैं उनमें कैपेबिलिटी होती है कि वो अपने आप को डिवाइड करें अपने टाइप के सेल्स में. ठीक है. तो ये था आपका टाइप्स ऑफ सेल्स. ठीक. अब इसके बाद जो नेक्स्ट हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज शेप ऑफ सेल्स, जो कि आपने क्लास 8 में भी ऑलरेडी पढ़ा हुआ है. सो दिस इज व्हाट द शेप ऑफ सेल्स. शेप ऑफ सेल मे वेरी डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ फंक्शन दे परफॉर्म इन ऑर्गेनिज्म. जितने भी सेल होते हैं उनके जो शेप होते हैं वो वेरी करते हैं, क्योंकि हर एक सेल का अलग अलग एक फंक्शन होता है. तो जिस सेल का जिस हिसाब का फंक्शन होगा उसका शेप भी उसी पर डिपेंड करेगा. फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने यहाँ पे आपको कुछ सेल्स शो किए हैं, ये क्या होता है, RBC का सेल, जो कि क्या होता है, रेड ब्लड सेल्स. सेकेंड, आपके जो मसल सेल होते हैं उनका शेप कैसा होता है, स्प्लिंडल. आपको ये देखने को मिल रहा होगा इसकी, इसका और इसका शेप क्या है, दोनों का डिफर कर रहा है. प्लांट्स के अंदर आपको गार्ड सेल्स मिलते हैं जिसके कारण स्टोमेटा की जो प्रोसेस होती है उसको परफॉर्म किया जाता है. ये आपकी होती है नर्व सेल. जितने भी आपके फंक्शंस होते हैं, जो भी मैसेजेस होते हैं ब्रेन तक भेजने के लिए, वो किसकी हेल्प से भेजे जाते हैं, नर्व सेल. और ये पैरामीशियम है, पैरामीशियम का भी शेप आप देख सकते हो डिफरेंट है. तो ये जितने भी टाइप के आपको शेप्स दिख रहे हैं, दीज आर व्हाट, डिफरेंट. सेल्स आर कैपेबल ऑफ चेंजिंग देयर शेप. जितने भी सेल्स होते हैं, कुछ ऐसे सेल्स भी होते हैं जो कि अपने शेप को बार बार चेंज भी कर सकते हैं. जैसे कि एग्जांपल दे रहे हैं यहाँ पे, WBC, वाइट ब्लड सेल्स एंड अमीबा कैन चेंज देयर शेप ऑन देयर ऑन. याद रखना कि जो सेल्स अपनी शेप को खुद से चेंज कर सकते हैं वो कौन से होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स एंड अमीबा. दे कैन चेंज देयर शेप ऑन देयर ऑन. सो दिस इज व्हाट द शेप ऑफ द सेल्स. ओके. आफ्टर दिस द नेक्स्ट टॉपिक इज योर टाइप्स ऑफ सेल्स. यहाँ पे मैंने अभी जस्ट आपको डिस्कस किया था कि जो आपने 8th में पढ़ा था, दो तरीके के सेल्स थे, यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर. यूनिसेलुलर क्या होता था, सिंगल टाइप सेल होती थी, और मल्टी सेलुलर में मल्टीपल नंबर ऑफ सेल्स होते थे. शेप ऑफ सेल्स भी आपका क्लास 8th का ही टॉपिक है, और जस्ट अब हम जो नेक्स्ट डिस्कस करने जा रहे हैं वो भी आपका 8th में टॉपिक कंप्लीट कर दिया चुका है. ठीक है. दिस इज कॉल्ड द टाइप्स ऑफ सेल्स. तो जो टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं उसको हमने आप दो बेसिस पे डिवाइड किया. एक क्या कहलाता है आपका, प्रोकैरियोटिक, और एक क्या कहलाता है आपका, यूकैरियोटिक. ठीक है. तो प्रोकैरियोटिक क्या होता है, प्रोकैरियोटिक क्या होता है, प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल होता है. ठीक है. जो कि थोड़ा ओल्ड टाइप का होता है, उसके अंदर इतने एडवांस फीचर्स नहीं होते हैं. लेकिन जो यूकैरियोटिक होता है, दीज आर कॉल्ड द एडवांस सेल्स. जो भी प्रोकैरियोटिक होता है उसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो प्रेजेंट नहीं होता है, और उसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं होती है. लेकिन जो आपका यूकैरियोटिक होता है, इसके अंदर न्यूक्लियस भी होता है एज वेल एज इसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होती है. अब आप पूछोगे कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस क्या होता है. देखो, जो ये न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस को एक चारों तरफ से कवर किया हुआ मेम्ब्रेन होता है जिसके अंदर वो रहता है. दिस इज कॉल्ड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड दिस इज कॉल्ड द न्यूक्लियस. तो जो आपका प्रोकैरियोटिक होता है, इसके अंदर ऐसी कोई न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं होती है. ठीक है. आपको दिख रहा है ये प्रोकैरियोटिक, इसके यहाँ पे आपको क्या ऐसी कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिखाई दे रही है, नहीं दिख रही है. यहाँ पे न्यूक्लियस भी एब्सेंट दिख रहा है. बट जो आपका यूकैरियोटिक है, इसके अंदर आपको ये न्यूक्लियस भी दिख रहा होगा, और ये चारों तरफ से एक बाउंड्री से घिरा हुआ है, दैट इज कॉल्ड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. ओके. सो दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस इन बिटवीन द यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक, न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियस मेम्ब्रेन.
and this, in this one nucleus is absent and nuclear membrane is also absent. सेकेंड वन, अ सिंगल क्रोमोजोम इज प्रेजेंट. जो आपका प्रोकैरियोटिक होता है इसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर सिंगल क्रोमोजोम होता है, लेकिन जो आपका यूकैरियोटिक होता है इसके अंदर मल्टीपल नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स एग्जिस्ट करते हैं. ये क्रोमोजोम सेल डिवीजन के में आपके हेल्प करते हैं, जिसके अंदर क्या होता है जीन्स होती हैं, डीएनए के अंदर जीन्स होती हैं जिसके थ्रू जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर होती है. थर्ड वन, जो प्रोकैरियोटिक होता है दे अंडरगो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. यहाँ पे दोनों पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में. तो जो भी आपका प्रोकैरियोटिक होता है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जाता है, लेकिन जो आपका यूकैरियोटिक होता है ये दोनों तरीके के रिप्रोडक्शन परफॉर्म करता है, सेक्सुअल भी और एसेक्सुअल भी. सेक्सुअल में दोनों पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है और एसेक्सुअल में सिर्फ सिंगल पेरेंट की रिक्वायरमेंट होती है. ओके, जो प्रोकैरियोटिक होता है वो आपका यूनिसेलुलर होता है, लेकिन जो आपका यूकैरियोटिक होता है ये आपका मल्टीसेलुलर होता है. There are no membrane bound cell organelles. जितने भी यहाँ पे organelles आपको देखने को मिल रहे हैं इनके चारों तरफ भी कुछ इस तरीके की membrane absent रहती है, ठीक है, इन द केस ऑफ prokaryotic. लेकिन यहाँ पे जितने भी आपको cell organelles देखने को मिल रहे हैं ये सारे के सारे क्या हैं, कुछ covered हैं, ठीक है, जो outer membrane से covered होंगे, but ये जो covering है यहाँ पर इनमें absent रहेगी. जो आपके प्रोकैरियोटिक के एग्जांपल होते हैं वो कौन कौन से हैं, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गे, दिस इज आल्सो कॉल्ड द साइनोबैक्टीरिया. और जो आपके यूकैरियोटिक के एग्जांपल्स होते हैं फंजाई, प्लांट्स, एनिमल्स, दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ द यूकैरियोटिक सेल. जो आपकी प्रोकैरियोटिक सेल होती है इसका साइज होता है 1 to 10 माइक्रोमीटर, लेकिन जो आपका इसका सेल साइज होता है यूकैरियोटिक का दिस इज व्हाट अबाउट 5 to 100 माइक्रोमीटर. So this is what the difference in between the prokaryotic and eukaryotic. Your next topic is here plasma membrane. ठीक है, अब आपको जो next topic पढ़ना है वो आपका क्या रहेगा, plasma membrane. एक बार मैं आपको पहले दोनों, ये animal cell है और ये है आपका plant cell. इसमें आपको मैं एक बार शॉर्ट में बता दे रही हूँ कि क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है सेल के अंदर. ये जो आपको बाहर एक बाउंड्री दिखाई दे रही है दिस इज़ कॉल्ड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन. याद रखना जो ये चारों तरफ बाहर की एक बाउंड्री दिख रही है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन. लेकिन अगर हम लोग प्लांट सेल की बात करेंगे तो इसमें एक और एक्स्ट्रा बाहर लेयर आपको दिखाई देगी. ठीक है, ये जो एक्स्ट्रा लेयर आपको बाहर दिखाई दे रही है ये चीज़ क्या कहलाती है आपकी, सेल वॉल. ये आपकी क्या कहला रही है, सेल वॉल. इसके अंदर आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा और उसके बाद जो सेल होता है सेल के अंदर एक लिक्विड होता है दिस इज कॉल्ड द साइटोप्लाज्म, जेली टाइप फ्लूइड दैट इज कॉल्ड द साइटोप्लाज्म. ओके, इस साइटोप्लाज्म के अंदर आपको इन दोनों पिक्चर्स में देखने को मिल रहा है ये न्यूक्लियस है. ठीक है, जो प्लांट सेल का न्यूक्लियस होगा थोड़ा सा साइड पे होगा. यहाँ मैंने ड्रॉ करते वक्त थोड़ा ध्यान नहीं दिया था, बट अगर आप लोग ड्रॉ करो तो प्लीज़ ध्यान देना कि आपको ये न्यूक्लियस थोड़ा साइड में रखना है, लेकिन आपका जो एनिमल सेल का रहेगा वो हमेशा सेंटर पे रहेगा. क्लियर रहेगा ये चीज़. ठीक, इसके बाद आपको इसके अंदर कुछ रेड येल्लो कलर के कुछ चीज़ें दिख रही हैं, दीज ऑल आर कॉल्ड द ऑर्गेनेल्स. जो सेल के अंदर ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है इनके बारे में हमें पढ़ना है, दीज आर कॉल्ड द ऑर्गेनेल्स. ठीक है, ये आपको जो रेड कलर की दिख रही है दिस इज कॉल्ड द माइटोकॉन्ड्रिया, दिस इज कॉल्ड द गॉल्जी अपैरेटस. ओके, दिस इज कॉल्ड, जहाँ पे कुछ डॉट से नहीं होंगे इसको हम बोलेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ये आपको सर्कल सा दिख रहा है दिस इज कॉल्ड द लाइजोसोम. ठीक, जहाँ पे आपको कुछ डॉट से दिख रहे होंगे सरफेस पे दिस इज कॉल्ड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दिस इज कॉल्ड द न्यूक्लियस, द आउटर बाउंड्री इज कॉल्ड द न्यूक्लियर एनवेलप. तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी सेल ऑर्गेनेल्स है जिसमें जिसके बारे में हमें वन बाय वन पढ़ना है. तो जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है जो सेल के बारे में अभी हम पढ़ने जा रहे हैं दिस इज कॉल्ड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ठीक, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, सेल की जो बाहर की बाउंड्री होती है दिस इज कॉल्ड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. इसको हम लोग कभी कभार सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं. अब इसको सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो भी मटेरियल अंदर जाना चाहे या जो भी मटेरियल सेल के बाहर आना चाहे वो किसके थ्रू अंदर बाहर जा सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन. इसी को मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन.
आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल दैट सेपरेट द कंटेंट ऑफ द सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. जो भी सेल के अंदर का कंटेंट होता है उसको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के जो एनवायरनमेंट होता है उससे हम लोग किसके हेल्प से सेपरेट करते हैं, विद द हेल्प ऑफ द प्लाज्मा मैम्ब्रेन. एंड दिस प्लाज्मा मैम्ब्रेन इज ऑल्सो कॉल्ड द सेलेक्टिवली परमिएबल मैम्ब्रेन. इसको हम लोग सेलेक्टिवली परमिएबल मैम्ब्रेन भी बोलते हैं, क्योंकि सबसे पहली चीज़ क्या होती है, इट अलाउज और परमिट्स द एंट्री और एग्जिट ऑफ सम मटीरियल्स इन एंड आउट ऑफ सेल्स. सेल के अंदर जो भी चीज़ें जाना चाहे या सेल के बाहर जो भी चीज़ें हमें फेंकनी होती हैं या थ्रो करनी होती हैं, वो सारी की सारी किसके थ्रू होंगी, आपकी प्लाज्मा मैम्ब्रेन की हेल्प से. और इट ऑल्सो प्रिवेंट मूवमेंट ऑफ सम अदर मटीरियल्स. प्लाज्मा मैम्ब्रेन हैज़ कैपेबिलिटी टू डिसाइड विच मटीरियल शुड एंटर और लीव द सेल एंड विच शुड नॉट. जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है इसके पास ये कैपेबिलिटी होती है डिसाइड करने की कि कौन सा मटेरियल सेल को रिक्वायर्ड होगा, तो उसको वो क्या करेगा, एंटर करने देगा, और जिस मटेरियल की उसको रिक्वायरमेंट नहीं होगी सेल के अंदर उसको क्या करेगा, सेल के बाहर फेंक देगा. ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंप्राइजेज ऑफ 3 कंपोनेंट्स. जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है 3 कंपोनेंट्स का बना होता है, याद रख लेना. सबसे पहली चीज़ इसमें क्या होती है, लिपिड्स. लिपिड्स को हम लोग फैट बोलते हैं. ठीक है, लिपिड्स. सेकंड थिंग होती है यहाँ पर आपकी प्रोटीन, और तीसरी होती है आपकी कार्बोहाइड्रेट्स. यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन किनका बना होता है, लिपिड्स, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स. दिस कंपोनेंट फ्लो फ्रीली इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ये तीनों कंपोनेंट ईजिली फ्लो कर सकते हैं. जो प्रोटीन होता है हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन. जितना भी चीज़ मटेरियल होता है इन होना हो या आउट करना हो, वो सारा का सारा किसकी हेल्प से होगा, प्रोटीन की हेल्प से. एंड कार्बोहाइड्रेट अटैच विद द लिपिड एंड प्रोटीन फाउंड ऑन एक्स्ट्रा सेलुलर साइड ऑफ मैम्ब्रेन. जो मैम्ब्रेन की एक्स्ट्रा सेलुलर साइड होती है वहाँ पे क्या क्या चीज़ें आपको मिलेंगी, कार्बोहाइड्रेट विथ लिपिड एंड प्रोटीन. ओके, सो दिस इज कॉल्ड द प्लाज्मा मैम्ब्रेन. इसमें एक नेक्स्ट टॉपिक आता है कि हाउ कैन सब्सटेंस मूव इन एंड आउट ऑफ सेल. सेल के अंदर या बाहर कोई भी सब्सटेंस कैसे आता जाता है. ठीक है, सपोज करते हैं यहाँ पे दो तरीके की चीज़ें होती है सेल के अंदर. सबसे पहला वाटर चाहिए होता है. ठीक है, उसको लिक्विड की फॉर्म में भी कुछ चीज़ें चाहिए होती है जिन मटेरियल्स को इन और आउट करे, और दूसरा चीज़ क्या करेगा, ये जो गैसेज है उनका एक्सचेंज भी करेगा. ठीक, तो मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू एंड फ्रॉम सेल इज कैरिड आउट बाय द मीन्स ऑफ डिफ्यूजन. जैसा कि हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, जो गैसेस का चैप्टर हमने पढ़ा था, कि उसमें क्या होता था, इंटरमिक्सिंग ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट स्टेट्स, ऑफ सेम स्टेट. तो डिफ्यूजन में क्या हुआ कि यहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड आपको क्या है, दोनों गैसेज हैं. तो अब ये क्या होगा, जो भी हमको क्या रिक्वायरमेंट होती है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, और हमारी बॉडी से किसके हम लोग एक्सहेल करते हैं, CO2 को. यानी कि सेल के अंदर हमें किसको एंटर करवाना होता है, ऑक्सीजन को, और एक्सहेल किसको कराना होगा हमें सेल से, CO2 को. तो ये जो गैसेज हैं, चाहे वो अंदर आना चाहें चाहे वो बाहर आना चाहें, तो कौन सी प्रोसेस के थ्रू अंदर और बाहर जाएंगी, विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन. Gases substances have a tendency to move to area where their concentration is less from the area where the concentration is high. जो gases substance होती है इनके पास एक tendency होती है कि ये अपने high concentration वाले area से less concentration वाले area की तरफ move करती हैं, and this process is called the diffusion. For example, हमारी body के अंदर क्या oxygen पहले से ही present होता है, नहीं होता, वो कहाँ से आता है, बाहर से आता है. यानी कि जो बाहर है, बाहर उसका ऑक्सीजन का लेवल क्या होगा, कंसंट्रेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा. ठीक, अब ये ऑक्सीजन किसके अंदर एंटर कर रहा है, आपकी सेल के अंदर. सेल के अंदर आपकी बॉडी के कारण क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है. यानी ऑक्सीजन जो है, जो सेल के अंदर अभी एंटर नहीं किया है, बाहर उसका कंसंट्रेशन क्या है, अभी हाई है, लेकिन सेल के अंदर अभी उसका कंसंट्रेशन क्या है, लो है. तो यानी ऑक्सीजन जो डिफ्यूज़ होगा सेल के अंदर कहाँ से होगा, फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन. ओके, सिमिलरली जो CO2 होता है हमारी बॉडी के अंदर, इसका कंसंट्रेशन हाई होता है, यानी सेल्स के अंदर इसका कंसंट्रेशन क्या हुआ, हाई होगा. अब जो हाई कंसंट्रेशन में जो भी गैस होगी वो किसकी तरफ मूव करेगी, लोअर कंसंट्रेशन. यानी कि हमारी बॉडी के बाहर से CO2 का लेवल होगा वो क्या है, कम है. यानी हम क्या करेंगे, CO2 को अपनी बॉडी से
एक्सहेल करेंगे, तो अगेन यहाँ पे जो CO2 था सेल के अंदर हायर कंसंट्रेशन था, वहाँ से कहाँ की तरफ मूव करेगा, बॉडी के बाहर, दैट इज द लोअर कंसंट्रेशन. सो दिस इज द व्हाट एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऑक्सीजन एंड CO2 बाय मींस ऑफ डिफ्यूजन. सेकेंड थिंग हम लोग ठीक है, तो सबसे पहला जो हमने पढ़ा सब्सटेंस जो मूव करता है इन एंड आउट ऑफ सेल दैट इज द गैस. गैस किस तरीके से मूव करता है, फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन. सेकेंड हमें इसे पढ़ना है मूवमेंट ऑफ वाटर बिटवीन द सेल्स एंड इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. जो पानी होता है हमारी सेल के अंदर, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया कि साइटोप्लाज्म टाइप का एक जेली टाइप का फ्लूइड भी होता है, ठीक है, जिसके अंदर जितने भी ऑर्गेनेल्स होते हैं वो फ्लो करते हैं. तो जो भी वाटर होता है हमारी सेल के अंदर वो किस हिसाब से फ्लो करता है, याद रखना. जब भी हम गैसेस की बात करेंगे तो वहाँ पे हम लोग कौन सा टर्म यूज़ करेंगे, डिफ्यूजन. लेकिन अगर हम लोग वाटर के मूवमेंट की बात करेंगे तो वहाँ पे हम लोग टर्म यूज़ करेंगे ऑस्मोसिस. सो मूवमेंट ऑफ वाटर इज कैरिड आउट बाई मीन्स ऑफ ऑस्मोसिस इन विच वाटर मूव्स फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसनट्रेशन टू वन वेयर द कंसनट्रेशन इज लो थ्रू अ सेमी परमिएबल मैम्ब्रेन. जो आपकी प्लाज्मा मैम्ब्रेन होती है इसके थ्रू वाटर सेल के अंदर जाएगा या वाटर जो होता है सेल के बाहर जाएगा, और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑस्मोसिस. अब इसके अंदर आपके तीन तरीके के केसेस आते हैं, ठीक है. एक केस आपका क्या कहलाएगा, हाइपोटोनिक. सेकेंड वन आपका कहलाता है आइसोटोनिक. और थर्ड आपका क्या कहलाता है, हाइपरटोनिक. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का, इसलिए बहुत ध्यान से देखिएगा आप सर, ठीक है. ऑस्मोसिस के ये तीनों केसेस हैं, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक एंड हाइपरटोनिक, ठीक. हाइपोटोनिक, इफ द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज़ अ हायर वाटर कंसंट्रेशन देन द सेल. सपोज करते हैं जो मीडियम है, जो सेल के चारों तरफ जो मीडियम है, आपको इस बीकर के अंदर क्या दिख रहा है, वाटर दिख रहा है. अगर यहाँ पर वाटर का कंसंट्रेशन सेल से ज़्यादा हो, ठीक है, यानी कि वाटर के का जो हायर कंसंट्रेशन है सेल के बाहर जो सराउंडिंग है वहाँ पे ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू द वाटर इनसाइड द सेल. यानी जो पानी सेल के अंदर है वहाँ पे उसका कंसंट्रेशन क्या है, लो है. लेकिन जो सेल के बाहर वाटर है उसका कंसंट्रेशन क्या है, हाई. तो वाटर क्या करेगा, ये हमेशा किधर मूव करेगा, फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन. यानी जो बाहर जितना भी वाटर था वो सारा का सारा किसके अंदर अब एंटर कर जाएगा, सेल के अंदर. और जैसे ही बाहर के रीजन का पानी सेल के अंदर एंटर करता है तो उस केस में सेल क्या हो जाती है, स्वेल हो जाती है, वो फूल जाती है. जैसे कि फॉर एग्जांपल आप लोग एग बॉईल करते हो, एग में क्या होता है, जो वाटर का कंसंट्रेशन होता है अंदर वो कम होता है, लेकिन जब आप उसको पानी में उबाल रहे होते हो तो वहाँ पे उसका वाटर का कंसंट्रेशन जो उसके सराउंडिंग है वहाँ पे ज़्यादा होता है. तो जितना भी एक्सेस वाटर होता है, जो भी मतलब कंसंट्रेशन जहाँ पे वाटर का ज़्यादा होता है, वो क्या करता है, वाटर को अपने अंदर इनटेक करता है, जिसके कारण जो एग होता है वो क्या हो जाता है, स्वेल हो जाता है. सो दिस इज द केस ऑफ द हाइपोटोनिक. ओके, नेक्स्ट आपका आता है आइसोटोनिक. आइसोटोनिक में क्या होता है, इफ़ द मीडियम हैज़ एग्जैक्टली द सेम वाटर कंसंट्रेशन एज द सेल. अगर यहाँ पर सपोज करते हैं आपके वाटर का जो सेल के अंदर कंसंट्रेशन है, ठीक है, और जो सेल के बाहर कंसंट्रेशन है, ये दोनों क्या है, इक्वल हैं. यहाँ पे जो आउटसाइड में वाटर है और जो इनसाइड में सेल के अंदर वाटर है, इनका कंसंट्रेशन क्या रहेगा, अगर इक्वल रहता है तो उस केस में ना तो सेल श्रिंक होगा ना तो वो स्वेल होगा. यानी कि ना तो वो पानी को बाहर से गेन करेगा ना ही वो अपने अंदर से वाटर को लूज करेगा, ठीक है. सो देयर विल बी नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन. तो यहाँ पे जो वाटर की मूवमेंट है वो नहीं होगी, एंड दिस केस इज कॉल्ड द आइसोटोनिक. क्लियर. थर्ड आपका इसमें आता है हाइपरटोनिक. हाइपरटोनिक में क्या होता है, इफ द मीडियम हैज लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर देन द सेल. सपोज करते हैं आपकी सेल के अंदर पहले ज्यादा पानी है लेकिन जो उसके बाहर जो सराउंडिंग का पानी है उसका कंसंट्रेशन कम है. यानी जो सेल के अंदर का वाटर था उसका कंसंट्रेशन क्या है, हायर कंसंट्रेशन है, और जो बाहर का पानी है उसका क्या कंसंट्रेशन है, लोअर. तो यानी कि आपका वाटर क्या करेगा, सेल का रीजन कैसा है, कंसंट्रेशन कैसा है, हायर कंसंट्रेशन. और पानी हमेशा कहाँ मूव करेगा, फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन. यानी कि सेल के अंदर का वाटर बाहर की तरफ निकलने लगेगा, ठीक है. और उस केस में क्या हो जाएगा, जो आपका सेल हो जाएगा वो सेल क्या हो जाएगा, आपका श्रिंक हो जाएगा, ठीक है. जो आपकी रेजिन्स होती हैं, ठीक है, जो भी आपकी किशमिश होती है वो क्या होती है, कुछ दिनों में अगर आप छोड़ दो तो वो क्या हो जाती है, सूख जाती है. आप जो ग्रेप्स खाते हो, ग्रेप्स को अगर आप कुछ दिनों के लिए ऐसे छोड़ दो तो क्या हो जाती है, श्रिंक हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर का जितना भी वाटर होता है वो बाहर की तरफ रिमूव हो जाता है. एंड दिस इज द केस ऑफ द हाइपरटोनिक. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज द ऑस्मोसिस. एंड थ्री केसेस आर देयर फॉर द ऑस्मोसिस. सो फर्स्ट इज योर हाइपोटोनिक, सेकेंड इज योर आइसोटोनिक, एंड द थर्ड इज योर हाइपरटोनिक.
ओके अब इसके अंदर एक टॉपिक आता है आपका एंडोसाइटोसिस. ओके व्हाट डू यू मीन बाय एंडोसाइटोसिस? इट इज अ प्रोसेस इन विच सेल एनगल्फ द फूड पार्टिकल्स फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बाय फोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. अब जैसे अमीबा का आप लोगों ने केस पढ़ा होगा. अमीबा क्या करता है, जब अपने फूड को कैप्चर करता है तो अपनी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, जो भी अमीबा की प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, कुछ इस तरीके का शेप होता है, वो उसको क्या करता है, फोल्ड करता है, कुछ इस हिसाब से फोल्ड करता है और जो भी फूड होता है उसको उसके बीच में ट्रैप करता है. ठीक, और उसी फूड को फिर वो वहाँ पे वैक्यूल बना करके फूड को अपने अंदर एंटर करवाता है. इसी प्रोसेस को बोलते हैं एंडोसाइटोसिस. दैट इज, इट इज़ अ प्रोसेस इन विच सेल एनगल्फ द फूड. जो सेल होगी वो फूड को किसी हिसाब से डाइजेस्ट करेगी फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बाय फोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. यानी अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को फोल्ड करते हुए उसके अंदर फूड को ट्रैप करके अपने अंदर वो लेकर आने की कोशिश करेगा. और इसका एग्जांपल भी आपको दिया हुआ है, अमीबा एक्वायर्स इट्स फूड थ्रू सच प्रोसेस. और जो अमीबा होती है इसी प्रोसेस के थ्रू अपने फूड को अपने अंदर इनटेक करती है. ठीक, अब इसके बाद जो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं इसमें, वो आपका रहेगा साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म क्या होता है? दिस इज द जेली टाइप फ्लूड विच इज प्रेजेंट इनसाइड द सेल्स. ओके, इन विच द ऑर्गेनेल्स मूव. इट इज द जेली टाइप फ्लूड विच इज प्रेजेंट इनसाइड द सेल इन विच द ऑर्गेनेल्स मूव. ओके, इट कंटेन्स मैनी स्पेशलाइज सेल ऑर्गेनेल्स. ठीक, अब इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे वो रहेगा आपका सेल वॉल. याद रखना कि जो सेल वॉल होता है वो सिर्फ प्लांट सेल के अंदर ही मिलता है, ये एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होता है. क्लियर? प्लांट सेल इन एडिशन टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन दे वर हैविंग वॉट? सेल वॉल. दिस इज द रिजिड आउटर कवरिंग. ये बहुत ही रिजिड सख्त तरीके की कवरिंग होती है जो कि आपके प्लांट सेल के चारों तरफ होती है. ठीक, और ये जो प्लांट सेल के अंदर जो सेल वॉल होता है किसका बना होता है? सेल्यूलोज का. याद रखना कि अगर क्वेश्चन किया जाए कि सेल वॉल किससे बनी होती है तो सेल्यूलोज. ओके, और सेल्यूलोज होता क्या है? दिस इज अ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस एंड प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द प्लांट्स. ये एक तरीके का कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है जो कि प्लांट्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए यूज होता है. ठीक, अब इसमें एक टॉपिक आता है प्लाज्मोलिसिस. ओके, प्लाज्मोलिसिस इज व्हाट? व्हेन अ लिविंग प्लांट सेल लूजेस वाटर थ्रू ऑस्मोसिस देर इज अ श्रिंकेज और कॉन्ट्रेक्शन ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द सेल. अगर सपोज करते हैं कि कोई लिविंग प्लांट किसी कारण से अपने अंदर का जो पानी होता है वो लूज कर रहा है बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस. जब वो पानी को लूज कर रहा है, जिस केस में लूज करेगा तो वो कौन सा केस कहलाता था आपका? हाइपरटोनिक. और उस केस में क्या होता था? सेल श्रिंक हो गया. अब कोई लिविंग प्लांट सेल अगर अपना वाटर लूज करेगा बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस देन इट विल श्रिंक और कॉन्ट्रैक्ट. ओके, तो जितने भी कंटेंट्स होंगे सेल के अंदर वो भी सारे के सारे क्या हो जाएंगे? सिकुड़ जाएंगे. एंड ओके, अवे फ्रॉम द सेल वॉल. जितने भी सपोज करते हैं सेल वॉल है, पहले इसके अंदर कई सारे ऑर्गेनेल्स थे, ठीक है, वो इजिली फ्लो कर रहे थे, बट जैसे ही इसका वाटर लॉस होने लगेगा तो क्या होगा, ये जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं ये पास पास में आने लगेंगे और सेल वॉल से इसकी क्या हो जाएगी? काफ़ी दूरी बन जाएगी. और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड द प्लाज्मोलिसिस. सो दिस इज व्हाट अबाउट द प्लाज्मोलिसिस. जो नेक्स्ट टॉपिक अब हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं, दिस इज कॉल्ड द न्यूक्लियस. अब न्यूक्लियस क्या होता है? जैसे मैंने आपको जस्ट अभी एक्सप्लेन किया था कि न्यूक्लियस क्या होता था, सेल के अंदर का ब्रेन कहलाता है. यानी सेल की जो भी अपने एक्टिविटीज परफॉर्म करनी होंगी, स्ट्रक्चरल हो चाहे वो फंडामेंटल हो, सारी की सारी किसकी हेल्प से परफॉर्म होंगी? न्यूक्लियस के थ्रू. ठीक है, आपको ये न्यूक्लियस के चारों तरफ एक बाउंड्री दिखाई दे रही है, दिस इज कॉल्ड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मैम्ब्रेन. और ये जो इसके अंदर आपको छोटा सा दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड द न्यूक्लियस. और इसके अंदर कुछ आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे होंगे, ये क्या होते हैं? क्रोमेटिन नेटवर्क होते हैं. ये क्रोमेटिन नेटवर्क जब आपका सेल डिवाइड होता है उस केस में ये क्रोमेटिन नेटवर्क आपका क्रोमोजोम में कन्वर्ट होता है. और इन क्रोमोजोम के पास कुछ जेनेटिक मटीरियल होती है जो कि पेरेंट के थ्रू उनके ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर की जाती हैं. सो दिस इज कॉल्ड द न्यूक्लियस. इट इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द सेल. क्या क्या इसके फंक्शन होते हैं? इट गिव्स डायरेक्शन टू द सेल. सेल को किसी भी तरीके का फंक्शन परफॉर्म करने के लिए कहाँ से डायरेक्शन मिलती है? न्यूक्लियस से. जैसे कि CPU होता है आपके सिस्टम में, वो सारे के सारे फंक्शन कंट्रोल करता है. आपकी बॉडी में ब्रेन होता है, वो आपकी पूरी बॉडी के फंक्शन कंट्रोल करता है. उसी तरीके से सेल के अंदर सारे फंक्शन कौन कंट्रोल करता है? न्यूक्लियस. दे हैव क्रोमेटिन मटीरियल. इसके अंदर किस तरीके का मटीरियल होता है? क्रोमेटिन मटीरियल. When cell divides, then क्रोमेटिन converts into क्रोमोजम. जैसे ही सेल डिवाइड होता है तो जितना भी क्रोमेटिक मटीरियल होता है, क्रोमेटिन मटीरियल, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? क्रोमोजम्स में. ओके,
और इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो किस तरीके का होता है, रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर। क्रोमोसोम्स कंटेन इन्फॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस ऑफ फीचर फ्रॉम पेरेंट टू नेक्स्ट जनरेशन। जितने भी क्रोमोसोम होते हैं इनके पास किस तरीके की इन्फॉर्मेशन होती है, जितने भी फीचर्स होते हैं पेरेंट से जो नेक्स्ट जनरेशन में पहुंचाने होते हैं इन द फॉर्म ऑफ डीएनए, दिस ऑल इन्फॉर्मेशन इज कंटेन बाय दिस क्रोमोसोम्स एंड दिस डीएनए इज कॉल्ड द डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। याद रख लो कि डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। क्रोमोसोम के पास सारी इन्फॉर्मेशन होती है जेनेटिक मटेरियल से रिलेटेड जो कि पेरेंट से नेक्स्ट जनरेशन को पास की जाती है, और किसके थ्रू पास की जाती है, इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। जो जितने भी क्रोमोसोम्स होते हैं ये किसके बने होते हैं, डीएनए एंड प्रोटीन के। और डीएनए के अंदर क्या होता है, डीएनए कंटेन नेसेसरी इन्फॉर्मेशन फॉर कंस्ट्रक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग सेल्स। जितने भी सेल्स को कंस्ट्रक्ट करना है, ऑर्गेनाइज करना है, वो किसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन होगी, इस डीएनए के अंदर। और डीएनए के अंदर आपको कुछ इस तरीके के सेगमेंट्स दिख रहे हैं, ये दिस इज कॉल्ड द डीएनए, और जो इसके अंदर सेगमेंट्स होते हैं दिस इज कॉल्ड द जीन। फंक्शनल सेगमेंट्स ऑफ डीएनए आर कॉल्ड द जीन्स। सो दिस इज योर वॉट, दिस इज न्यूक्लियस। ठीक है, अब इसके बाद जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे उसके अंदर हम लोग सेल ऑर्गेनेल्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि बेसिकली हमारी बुक के हिसाब से हमें 6 यहाँ पर डिस्कस करने हैं। कौन कौन से, जस्ट मैं अभी आपको बता दे रही हूँ। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो दो तरीके के होंगे आपके, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट आपको पढ़ना होगा इसमें गोल्जी अपैरेटस। ठीक, थर्ड हमारा रहेगा इसमें लाइसोसोम्स, फोर्थ हमारा रहेगा माइटोकॉन्ड्रिया, फिफ्थ हमारा रहेगा प्लास्टिड्स, और सिक्स्थ हमारा यहाँ पे रहेगा वैक्यूल्स। तो आज के लिए आपको सिर्फ इतना ही रिवाइज करना है। थैंक यू।